यस टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक टेक्निक ऑफ़ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रेड मैंने कल बताया था जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है टू अलग अलग स्पीशीज की टू एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन मैं रिमूव एंथर्स अर्ली इन द बर्ड स्टेज फ्रॉम फ्लावर्स विच वर टेकन एज फीमेल फ्लावर्स अब जो पी प्लांट होता है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के करेक्टर्स होते हैं तो सेल्फ़ पॉलिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैंडिल ने क्या किया जो उसके एंथर्स थे एंथर्स जो होते हैं वो मेल मीट पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बर्ड कंडीशन पे ही फ्लावर से बाहर निकाल दिया और जो फ्लावर्स है वो सिर्फ फीमेल फ्लावर की तरह एक्ट कर रहे थे क्योंकि तो उसमें से मेल करेक्टर जो है वो उसने रिमूव कर दिया दी रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्राम अ बायोसेक्चुअल फ्लावर इज कोल्ड इमेस्क्युलेशन और जब हम किसी बायोसेक्चुअल फ्लावर से एंथर वाला जो पार्ट है जो पोलन ग्रेन से जब उसको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमेस्क्युलेशन वेन द स्टिगमा ऑफ दिस इमेस्क्युलेटेड फ्लावर्स वर फुली मेच्योर द पोलन फ्राम एंथर ऑफ फ्लावर्स विच वर टेकन एज मेल फ्लावर्स वर ट्रांसफर्ड ऐसे उसने कई फ्लावर्स रख लिए जिसमें उसने सिर्फ मेल फ्लावर्स रखे थे मतलब जो फीमेल पार्ट था उसको रिमूव करा था उस मेल फ्लावर के जो एंथर्स थे उनमें से पोलन निकाल के उसने स्टिग्मा के ऊपर शॉवर ऑफ कर दिए स्टिग्मा क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक तो मतलब एंथर रिमूव बाय इमेस्कुलेशन देन पोलन ट्रांसफर फ्रॉम अनदर फ्लावर किसी और फ्लावर के जो पोलन है वो इसके ऊपर शॉवर ऑफ कर दिए दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन है क्योंकि सेम फ्लावर में नहीं हो रही किसी और फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बींग कर रहा है The artificially crossed pollinated flowers were tagged and enclosed in muslin क्लोथ्स bag to avoid further deposition of pollen from unknown sources. इसके बाद फ्लावर को इनक्लोज कर दिया जाता है बाया म्यूसलिन uh, क्लोथ और बाया एनी पोलिथिन बैग ताकि वो और ज़्यादा उसके ऊपर पोलन की जो डेपोजिशन है या और ज़्यादा पोलन जो है वो उसके ऊपर ना के गिरे अगर और ज़्यादा पोलन आ जाएंगे तो करैक्टर उसमें मिक्स हो जाएंगे जो करैक्टर वो डालना चाहता है डिजायरेबल करैक्टर वो मिक्स हो के न्यू रिज़ल्ट देंगे तो उसको अवॉइड करने के लिए अनदर सोर्स ऑफ पोलन से उसने पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया ताकि जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आ सके उसके बाद जो प्लांट में जो फ्लावर बनते हैं उसका जो फ्रूट आएगा जो उसके सीड्स हैं मिच्योर होने के बाद सीड्स को फिर से वो सॉयल में सो करेगा तो और उसके जो न्यू प्लांट्स बनेंगे उसके करैक्टर्स उसने मैच करने हैं। इस टाइप के नेक्स्ट जनरेशन का जो मैंडल ने एक्सपेरिमेंट करा उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन तो मतलब ये है कि मैंडल ने एक्सपेरिमेंट में जो डिज़ायर करैक्टर्स डाले दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद तीसरी चीज़ को मिक्स होने से रोकने के लिए पॉलिथीन बैग का यूज़ किया और जो मिच्योर उसके पास सीड्स आए जो रिज़ल्ट आया उसको एक न्यू जनरेशन में जो प्लांट बना न्यू प्लांट जो बना उसके करैक्टर्स को देख के जो ऑब्जर्वेशन दी वही होते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही यही है मिक्सिंग ऑफ टू करैक्टर्स नेक्स्ट आता है वाई डिड मैंडल सेलेक्ट गार्डन पी कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी ही जो पी प्लांट है उसी को क्यों चूज़ किया इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं फर्स्ट है पी प्लांट बियर बायोसेक्चुअल फ्लावर्स एंड आर सेल्फ़ पॉलिनेटेड कि एक तो वो बायोसेक्चुअल उसमें दोनों टाइप के मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं और सेकेंडली वो सेल्फ़ पॉलिनेशन करते हैं तो सेल्फ़ पॉलिनेशन को उसने प्रिवेंट कर दिया by the process of emasculation by the removal of anthers. The structure of pea pea flower does not permit cross pollination but ensures self pollination. अगर वो cross pollination permit करते हैं flower तो उसका result desirable आ ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी another source से pollen ले लेते और इससे mixing हो जाती जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो मिक्स हो जाता कन्फ्यूज़न जो है वो बढ़ जाती बींग सेल्फ पोलिनेटेड पी प्लांट आर अवेलेबल इन होमोजाइगस फॉर्म होमोजाइगस जो है वो टर्म आपने पढ़ी होगी जिसमें सारे के सारे जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो सेम होते हैं दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओनली वन टाइप जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड दस मेंटेन प्योर लाइन मतलब हर एक जनरेशन में सेम टाइप की ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं तो उससे एक प्योर लाइन मतलब हर एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर सेम करटर्स देखने को मिलेंगे तो वो प्योर लाइन बन जाएगी पी प्लांट्स आर एनुअल देयरफॉर फॉर सेवरल जनरेशन कूड बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड पी प्लांट्स जो होते हैं वो एनुअली रिजल्ट शो करते हैं तो ज़्यादा टाइम उसको वेट नहीं करनी पड़ी अपना रिजल्ट देखने के लिए सेवरल जनरेशन्स जैसे कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तक उसने ईजलिए शॉर्ट पीरियड में ही उसने सारी ऑब्जर्वेशन नोट कर ली फर्स्ट उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है वन एंड हाइब्रिड मींस क्रॉसिंग और करैक्टर वन करटर मोनो हाइब्रिड वन करेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रोस इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ करैक्टर सिर्फ एक ही करैक्टर इसमें कोई भी करैक्टर वो जैसे हमने बोला था कि इसमें सेवन करैक्टर्स होते हैं तो इनमें से कोई भी एक पेयर लिया है जैसे कि अगर टोल है तो डवाफ है एक्जिल है तो टर्मिनल है इनमें से कोई भी एक पेयर जो लिया है एक्सपेरिमेंट के लिए उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच इज़ कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स जो कि सिंगल पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं अगर एक करेक्टर है पेयर ऑफ़ करेक्टर है तो उसको एक टाइप के ही पेयर जो है जीन्स का वो कंट्रोल करेगा द फर्स्ट स्टडी ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस वॉज़ डन बाय मैनडिल एंड ही सिलेक्टेड एंड कंडक्टेड सेवन पेयर्स ऑफ मोनो हाइब्रिड और इसी तरह उसने सेलेक्ट करता गया और आगे ही आगे उसने सेवन करैक्टर्स का मोनो हाइब्रिड क्रोस किया एक एक करके सभी का तो जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो हम कल रीड करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रोस का थैंक यू